हुज़ैफ़ा। जी बाबा। ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम उष्णा को पसंद करते हो? तो इसमें बुराई क्या है? मैं हुज़ैफ़ा से पूछ लूं? जी बाबा, मामा ठीक कह रही है। ओके, इसका मतलब है कि सदफ ने बिल्कुल ठीक कहा था मुझसे। शायद पे छुप छुप के उष्णा से तो मिलते रहे हो, ऐसा ही है? अब सदफ बीच में कहां से आ गई जी? इसका जवाब हुज़ैफ़ा देगा ना, कभी सदफ कभी उष्णा। तो तुम्हें तो घर की बच्चियां क्यों? सदफ नहीं, मुझे उष्णा अच्छी लगती है। अच्छी लगती है क्योंकि अब तुम्हें उष्णा अच्छी लगती है, तो तुम ये चाह रहे हो कि फौरी तौर पे जाके ज़ैनब से उष्णा का रिश्ता मांग लें तुम्हारे लिए? मेरे बेटे ने कौन सा गलत काम कर दिया है? एक लड़की घर की उसे पसंद आ गई, उसने अपनी माँ को बता दिया, बुराई क्या है इसमें? अब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही उष्णा में? जब मैं उष्णा और ज़ैनब को लेकर इस घर में आया था तो उन दोनों की मुखालफत में भाभी के साथ तुम पेश पेश थी। तो गलती हो गई ना, इंसान से ही गलती होती है। अब क्या सारी जिंदगी लकीर पीटती रहूं इस बात की? समझ गया हूं मैं। आज उष्णा और ज़ैनब की हैसियत बदलती कैसे तुम लोगों को उनकी खूबियां नजर आने लग गई हैं? आप यहाँ बैठकर हमारी गलतियां गिनवाते रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको उष्णा बहुत प्यारी है, पता है मुझे अच्छी तरह से। आज अगर हम दोनों ने इजहार कर दिया है कि वो हमें पसंद है, तो अब आप हमें बातें सुनाएंगे? आपको मंजूर हो या ना हो, मैंने फैसला कर लिया, हुज़ैफ़ा की दुल्हन सिर्फ उष्णा बनेगी, बस। चलो तुम अंदर, कहाँ थे? हाँ, बगैर बताए हुए चले जाते हो, बातें मैं सुनती हूँ तुम्हारे बाप से। सितमगर ये कुर्बत क्या?